Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, I'm gonna share with you guys a quick skin cleanup routine. लास्ट 2 to 3 डेज मैं नोटिस कर रही थी मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है और ऊपर से मेरे चिन एरिया में ना छोटे छोटे दाने जैसे भी हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक क्लीनअप रूटीन किया जाए और जब मैं कर ही रही हूँ सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट मैं हेयर में क्लिप अप्लाई कर लूँगी ताकि ये क्लीनअप के टाइम पे प्रॉब्लम ना करे। तो स्टार्ट करते हैं क्लिंजर से। तो क्लिंजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्ड मिल्क एंड हनी एंड ओ माय गॉड, ये जो क्लिंजर है बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करने में हेल्प करता है। और मेरा जो स्किन है वो ऑयली टू सेंसिटिव स्किन है, तो ये जो क्लिंजर है बहुत ही जेंटल है मेरे स्किन के लिए और जितने सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने सारे डर्ट है बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। मिल्क के अंदर जो है लैक्टिक एसिड है, तो ये नेचुरल AHA का काम करता है जिससे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है और ऊपर से स्किन जो है फर्म रहता है, स्मूथ हो जाता है। और हनी जो है स्किन के pH लेवल को मेंटेन करता है और एक्ने को भी ट्रीट करता है, तो इसीलिए जो क्लिंजर है बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे स्किन पे। मैं क्या करती हूँ, एक कॉटन पैड के हेल्प से मैं पूरे फेस में इससे क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो कितने सारे डर्ट जो है रिमूव हो गया है। और उसके बाद मैं फ्रेश वाटर से, क्लीन वाटर से फेस को वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद मेरी जो स्किन है इंस्टेंट ब्राइट हो जाता है और बहुत ही फ्रेश फील होता है मुझे। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ कॉफ़ी एंड हनी और उसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके हेल्प से अपने पूरे फेस को एक्सफोलिएट करती हूँ। हनी एंड कॉफ़ी की जो कम्बिनेशन है ना वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। तो मैं जब भी स्क्रब यूज़ करती हूँ पहले अपनी स्किन को डैम्प कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन को थोड़ा सा डैम्प करने के लिए। उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद 2 to 3 मिनट्स के लिए मसाज करूँगी। कॉफ़ी जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ऊपर से फेस में जो पफिनेस है उसको भी रिमूव करता है और हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। जब भी मेरी स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है तब मैं इस रेमेडी को ट्राई करती हूँ और मेरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो 2 to 3 मिनट मसाज हो जाने के बाद मैं रेगुलर वाटर से फेस को वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं ड्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हो स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस मास्क और उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नीम पाउडर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चिन साइड पर मेरे छोटे छोटे दाने जैसा हो गया है और नीम पाउडर जो है उसके लिए बेस्ट है। और इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल और नेक्स्ट मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी रोज़ वाटर के हेल्प से और एक थिक पेस्ट बना लूँगी। ये जो फेस मास्क है ना ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक फेस मास्क है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपके ऑयलीनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और नीम पाउडर जो है वो एक्ने स्कर्स या फिर ब्लेमिशेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो सेंसिटिव स्किन के लिए एंड ऑयली स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ऊपर से इस मास्क में मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है जो कि स्किन को सूथ करने में बहुत ही अच्छा है और रोज़ वाटर जो है स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। और जब भी मैं इस मास्क को अप्लाई करती हूँ ना मुझे लगता है कि मेरे स्किन पे जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो चला गया है। तो एनीवेज मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी फॉर 15 मिनट्स और उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा फेस में थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं मसाज करूँगी फॉर 2 मिनट्स और नेक्स्ट मैं क्लीन वाटर से फेस को वॉश कर लूँगी। सो जब भी मैं स्किन क्लीनअप करती हूँ मैं हमेशा स्किन पे आइस लगाती हूँ, आइस मसाज करती हूँ, क्योंकि आइस बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, सबको पता है। ये पफिनेस को ठीक करने में हेल्प करता है, ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है,
अगर आपकी स्किन पे सनबर्न है उसको भी सूथ करने में हेल्प करता है। स्किन पे अगर कोई एजिंग या फिर रिंकल्स है उसको भी रिड्यूस करता है। और आइस मसाज से क्या होता है, स्किन पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, जिससे आपकी स्किन पे एक हेल्दी ग्लो आता है। आइस मसाज करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, अपनी फिंगर के हेल्प से थोड़ा सा पैट कर लेती हूँ स्किन को। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं करती हूँ। नेक्स्ट जो है, मैं फेस मिस्ट यूज़ करती हूँ। ये कामा आयुर्वेदा की रोज़ वाटर है, तो इसके हेल्प से मैं पूरे फेस में स्प्रे कर लूँगी। और इसका जो स्मेल है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। नेक्स्ट मैं एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा जेल, एंड उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ होहोबा ऑयल। होहोबा जो है एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प करता है, और अगर आपके फेस में एक्सेस ऑयल है उसको रिड्यूस करता है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक एक प्रोडक्ट है जो कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। अगर स्किन पे एजिंग की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है। अगर आपके स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है, स्किन को सूथ करने में और स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही अच्छा एक इन्ग्रीडियंट है। तो इसको मैं अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई करूँगी, और 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं फेस में इसको मसाज करूँगी। तो मुझे ये जो स्टेप है बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, और जब भी मैं क्लीनअप रूटीन करती हूँ मैं इसको फॉलो करती हूँ, मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है आफ्टर दिस स्टेप। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सनस्क्रीन, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजीना की सनस्क्रीन। तो मैं क्या करूँगी, अपने 3 फिंगर्स में इसको ले लूँगी और उसके हेल्प से मैं पूरे फेस में इसको अप्लाई करूँगी। और फेस के साथ साथ मैं नेक पे भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फेस के साथ नेक पोर्शन जो है वो भी एक्सपोज होता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं नेक पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। और लास्ट में अप्लाई करूँगी लिप बम। ये जो लिप बम है ये गुड वाइब्स की है, आई डोंट नो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये बहुत ही अच्छे से लिप्स को जो है प्लम करता है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरा जो क्लीनअप रूटीन है वो कंप्लीट हो गया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो इसीलिए मैं पानी पी रही हूँ। सो दिन में 2 to 3 लीटर्स पानी तो पीना ही होगा अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हो तो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और या फॉलो भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, हैंडल जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। Bye. First flowers calling on warm days overdue, but I